हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज की ये वीडियो लाइफ की छोटी छोटी बातों के ऊपर है जो दिखने में तो छोटी हैं पर स्ट्रेस बढ़ा देती हैं। जैसे हम बात करते हैं अपनी वार्डरोब की, अगर ये अनऑर्गेनाइज्ड है तो डेली रूटीन में बड़ा ही स्ट्रेस रहता है। जैसे कि ढूंढने पर कुर्ता नहीं मिल रहा, कुर्ता मिला है तो दुपट्टा नहीं मिला है, जीन्स है तो साथ का टॉप नहीं है। तो एक हमारा जो वार्डरोब है वो बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है तो हमारे डेली रूटीन का स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चलिए, इसी सीरीज़ में मैं आपको अपने वार्डरोब का टूर कराती हूँ और बताती हूँ कि मैंने अपने वार्डरोब को किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया है। तो देखिए, ये है मेरा वार्डरोब। ये मेरी ड्रेसेस हैं, सलवार सूट, प्लाजो पैंट्स, कुर्तीज़, जिन्हें मैं पहनती हूँ, जिन्हें मैंने प्रॉपर तरीके से फोल्ड किया या तय किया है और फिर इनको स्टैक किया है, मींस एक के ऊपर एक लगाया है। आप देख सकते हैं सारी ड्रेसेस प्रॉपरली दिख रही हैं, कहाँ रखी हैं, कैसे रखी हैं, किसका कलर क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड है तो सब कुछ एकदम साफ दिख रहा है। तो ट्राई कीजिए कि कपड़ों को हमेशा ना फोल्ड करके ही रखें, कपड़ों को टूटे नहीं। अगर हम कपड़ों को फोल्ड करके रखेंगे तो हम देखिए आराम से देख सकते हैं। यहाँ हमारे तीन स्टैक लगे हुए हैं, मैंने लाइन से तीन स्टैक अपने कपड़ों के लगाए हैं। ये सारे मेरे सलवार सूट हैं, आप इनमें से कोई भी ड्रेस को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ड्रेस निकाल कर दिखाती हूँ। ये मेरी पैंट वाला सूट है और इसके साथ ये पैंट है, ये इसका दुपट्टा और नीचे इसका कुर्ता है। तो ये देखिए, तीनों चीज़ें मुझे एक साथ मिल गई हैं, मुझे इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसी तरीके से ये जो येलो कलर का है, ये मेरा सलवार सूट है, इसका सलवार है, ये इसका कुर्ता है और इसके साथ ही इसका दुपट्टा रखा है। तो मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ प्रॉपरली रखा है जिससे कि मुझे बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे पता रहेगा कि इसका दुपट्टा और कुर्ता इसी के अंदर रखा है। तो अब मैं आपको नीचे की साइड दिखाती हूँ। ये नीचे वाले पोर्शन में मेरी कुछ कुर्तियाँ रखी हैं, ये सारी कुर्तियाँ हैं और इनके साथ कुछ सलवार सूट रखे हैं, ये मेरे सारे सलवार सूट रखे हुए हैं। इन सारी कुर्तियों के साथ मैं लेगिंग पहनती हूँ क्योंकि एक लेगिंग काफ़ी कुर्तीज़ के साथ चल जाती है, तो लेगिंग को मैंने अलग से जो है स्टोरेज दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लेगिंग को मैंने किस तरीके से स्टोर किया है। ये नीचे मेरे सारे पेटीकोट्स, ये देखिए लाइन से सारे मैंने पेटीकोट्स लगा रखे हैं फोल्ड करके, हर तरीके का पेटीकोट इसमें रखा है। और इधर ये सारी लेगिंग्स रखी हुई हैं जो कि, और ये कुछ मेरे दुपट्टाज हैं जो रेयरली यूज़ होते हैं तो मैंने उनको यहाँ पर एडजस्ट किया है। तो ये देखिए, पेटीकोट और लेगिंग्स एकदम प्रॉपरली रखे हुए हैं और थोड़ी सी जगह में ये कितने सारे पेटीकोट और लेगिंग जो हैं वो आ गए हैं। तो ये इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारी विजिबिलिटी भी रहती है और एक ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है जिसको हमें खोलने पर भी अच्छा लगता है। तो देखिए, कुर्ती और लेगिंग को आप मैच करके आराम से पहन सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे दुपट्टे जिनको हम काफ़ी कुर्तीज़ के साथ पहन सकते हैं, तो उन्हें हम किसी एक प्रॉपर कुर्ती या सूट के साथ नहीं रख सकते। तो इन दुपट्टास को मैंने यहाँ पर एक हैंगर में ऑर्गेनाइज करके रखा है। आपने देखा होगा शॉपकीपर्स भी हमें ऐसे ट्विस्टेड वाले निकाल कर दिखाते हैं, तो मैंने इन दुपट्टास को उसी तरीके से ट्विस्ट करके और हैंगर में डाल दिया है और हैंगर को यहाँ पर होल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे हमेशा ये दुपट्टे टंगे रहते हैं, जब भी ज़रूरत होती है मैं यहाँ से निकाल कर इनको पहनती हूँ और वापस इनको इसी तरीके से फोल्ड कर रखती हूँ। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब हमेशा अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, कोई किसी के सामने आप ओपन करते हैं उसको भी अच्छा लगता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। तो आप भी कीजिए अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।